हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको 9 से 10 साल की गर्ल के लिए अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग करना सिखाऊंगा। तो यहाँ पे जो हमारे कपड़ा हमें चाहिए होगा वो 2 मीटर कपड़ा लगेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना मेजरमेंट देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो फ्रॉक की लंबाई है वो रहेगी 38 इंच, और जो हमारा चेस्ट है वो है 25.5 इंच, और हमारी वेस्ट का नाप है जो 22.5 इंच है। तो इसी हिसाब से मैं आपको इसकी कटिंग करना सिखाऊंगा। तो आइए चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों, यह हमारा कपड़ा है, यह हमारा डबल फोल्ड में कपड़ा है। इसको सबसे पहले हम 4 फोल्ड में कर लेंगे। इस तरह से हम 4 फोल्ड में इसको अच्छी तरह से बिछा लेंगे। बिछाने के बाद दोस्तों, सबसे पहले हम ऊपर की चोली जो है उसकी कटिंग करेंगे। तो इसकी लंबाई हम रखेंगे 12.5 इंच पे। यहाँ पे हमने 12.5 इंच पे निशान लगा दिया। इसके बाद दोस्तों, हम इसका तीरा लेंगे। तो तीरा यहाँ पे हम रखेंगे 5.5 इंच पे, और आर्म होल का निशान भी हम 5.5 इंच पे लगाएंगे। और निशानों को इस तरह सीधा फूटे से मिला लेंगे। अब इसके बाद दोस्तों, हम लगाएंगे यहाँ पे अपनी चेस्ट का निशान। तो चेस्ट के निशान के लिए हम चेस्ट में 2+ करेंगे और उसका चौथा भाग। तो यहाँ पे हमारी चेस्ट 25.5 है, तो यहाँ पे हम 2+ करेंगे और इसका चौथा भाग हिस्सा जो है उसका निशान लगा लेंगे। उसके बाद दोस्तों, वेस्ट में भी हम इसी तरह से वेस्ट में 2+ करेंगे, प्लस उसका चौथा हिस्सा यहाँ पर हम ले लेंगे और इसको सीधा मिला लेंगे फूटे से। इसके बाद दोस्तों, अब हम ये निशान लगाए हैं हमने। इसके बाद यहाँ पे हम इसकी हल्की सी गुलाई देंगे आर्म होल पे। इस तरह से हम इसमें हल्की सी आगे की तरफ ज़्यादा गुलाई रखेंगे, क्योंकि इसमें हम बाजू अटैच करेंगे। अगर हम बिना बाजू के बनाएंगे तो हम इसमें आगे की तरफ बिल्कुल इसमें गुलाई नहीं देंगे। तो हम इसको कट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने आगे और पीछे दोनों पार्ट्स को कट कर लिया है, और जहाँ पे हम निशान लगाए हैं हमारे, उस पर हम कुटका लगा लेंगे। तो हम हमारा बैक का पार्ट है और यह हमारा फ्रंट का पार्ट है। फ्रंट के पार्ट में हम हल्की सी इसको छटाई करेंगे जहाँ पे हमारा निशान है। यहाँ पे भी हम बिल्कुल हल्की सी छटाई करेंगे, ताकि हम यहाँ पर जब बाजू लगाएँ तो इसकी फिटिंग बिल्कुल अच्छी आए। तो अभी हमारे दोनों पार्ट्स यहाँ पे कटिंग हो चुके हैं। अब इसके बाद हम दोस्तों नीचे के पार्ट्स की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हम कपड़े को बिल्कुल 2 फोल्ड में इस तरह से बिछा लेंगे। बिछाने के बाद दोस्तों, हम इसको इस तरह से तिरछा मिला लेंगे एक दूसरे के साथ। इस तरह से बिछाने के बाद दोस्तों, अब हम यहाँ पर यह हमारा ऊपर का जो हमने पार्ट्स कटिंग किया था चोली का, इसको इस यहाँ पर इस तरह से बराबर इसके रखेंगे, और इसके बिल्कुल बराबर से हम यहाँ पे जहाँ पे हमारा निशान बराबर आ रहा है उसके यहाँ पे हम इस तरह से निशान लगा के इसको यहाँ पे देख लेंगे। हमारा आ रहा है 10 इंच पे, तो हम इसको इसी तरह से 10-10 इंच पे गोलाई में इसको मार्क कर देंगे कपड़े को बराबर से। यहाँ पे हमने ये निशान लगा। इसके बाद दोस्तों, हम अपना जो नीचे की लंबाई है उसका निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा जो ऊपर से हम 12.5 रखा था, जिसमें हम आधा आधा इंच सिलाई में आएगा, तो ये उसके बाद हमारा जो बचता है 26.5 इंच है। तो 26.5 में हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे फोल्ड करने के लिए, और आधा इंच सिलाई में भी आएगा। तो यहाँ पर हम 28.5 पर निशान लगाएंगे। अब हम यहाँ 28 के निशान को बिल्कुल ऊपर से हमारा जहाँ से हमने शुरू से निशान लगाया था 10 इंच पे से, वहाँ के उसको 10+ करके हम यहाँ पर 38 पे मार्क करेंगे। और इस तरह से 38 इंच पे हम यहाँ पे बिल्कुल इन स्टेप को इसी सेम पकड़ के गोलाई में निशान लगा देंगे सेम इस तरह से। यह निशान हमने दोस्तों लगा लिया। इसके बाद हम जो यह निशान लगाए हैं इस पर हम इसको कट कर लेंगे।
तो इस तरह से दोस्तों हमने जो है नीचे का घेर वाला हिस्सा है उसकी कटिंग कर ली है। तो यहाँ हम यह हमारा ऊपर का हिस्सा है चोली का, चोली वाला पार्ट्स, और यह हमारा घेर है। अब यहाँ पे हम हमारी जो शेप गोलाई में आएंगे तो ऊपर की साइड पे हम इसी तरह से लगभग आधा या पौने इंच के करीब यहाँ पे हल्का सा निशान लगाएंगे और इसको सीधे इस तरह से तिरछा मिला लेंगे। इसको भी हम इसी तरह की शेप दे देंगे यहाँ पे सेम इसी तरह से। तो यहाँ पे ये दोस्तों हमारी फ्रॉक की कटिंग हो चुकी है। अब ये हमारे फ्रॉक कट करने के बाद दोस्तों हम इसकी बाजू कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम इस पर बेल स्लीव बनाएंगे। तो बेल स्लीव के लिए हम यहाँ पे पहले हाँ बाजू जो है उसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पे हमारी जो लंबाई है वो 8.5-9 इंच है। तो यहाँ पे हम 9.5 पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे हल्का से 2.5 इंच पे निशान लगा देंगे और निशानों को हम सीधा मिला लेंगे फोटे से। और आगे की साइड हम यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगाएंगे। हमारी 8 इंच बाजू है तो हम 4 पे निशान लगाएंगे और निशानों को सीधा मिला लेंगे। अब हम यहाँ पे बाजू को शेप देंगे हल्की सी और इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने ये बाजू कटिंग कर ली है हाफ। अब इसके बाद दोस्तों हम यहाँ की जो बेल है बेल स्लीव बनाएंगे। तो इसकी हमें बेल निकाल लेंगे। इसके लिए हमारे पास जो कपड़ा बचा है हम उसको इस तरह से बिछा लेंगे। डबल फोल्ड किया है हमने, ये भी डबल फोल्ड कपड़ा है। तो इसको हम सीधा बिछा के इसको एक और फोल्ड करेंगे। यह हमारा 4 फोल्ड में कपड़ा हो बिछा लिया हमने। तो हम दोनों बाजू एक साथ कटिंग करेंगे। फिर इसके बाद दोस्तों 4 फोल्ड करने के बाद जो हमारे बंद कोने हैं उसकी तरफ हम इस तरह से यहाँ पे बाजू का जहाँ निशान है उस तरह से यहाँ पे निशान पे उसको सीधा रख के जितना हमें इसका होल चाहिए उसके हिसाब से हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे और इसके गोलाई में मिला लेंगे इसको। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमारी बाजू जितनी भी आपको बाजू चाहिए आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पर हमारी बाजू 7 इंच है तो हम यहाँ पे 7.5 पे निशान लगाएंगे। और इसको सेम इसी तरह से कट कर लेंगे। तो हमें ये आगे बेल भी कटिंग कर ली है इसके लिए बाजू के लिए। तो हमारी यहाँ पे बाजू की कटिंग हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे नेक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे नेक हम बनाएंगे तो यहाँ पे हम पेपर पेस्टिंग का यूज़ करेंगे नेक बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमारी जो नेक की गहराई रहेगी वो रहेगी 4 इंच। यहाँ पे 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे और जो नेक की चौड़ाई रखेंगे हम वो रखेंगे 4.5 इंच। तो यहाँ पे हम 2.25 पे निशान लगाएंगे और इसको सीधा मिला लेंगे। अब यहाँ पे हम गोल गला बनाएंगे। तो यहाँ पे हम गले की शेप दे देंगे गोल गले की। तो यहाँ हमारा नेक फ्रंट का जो नेक है हमने कट कर लिया है। अब हम बैक का नेक कटिंग करेंगे। बैक नेक के लिए भी हम इसी तरह से पेपर पेस्टिंग का यहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ पे बैक जो नेक है हमारा 2.5 इंच हम इसकी गहराई रखेंगे। तो यहाँ पे हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे और चौड़ाई सेम वही 2.25 इंच पे निशान लगाएंगे और इसको भी सेम उसी तरह से
गोलाई देके कट कर लेंगे। यानी कटिंग करने के बाद दोस्तों हम इसको एक जो हमारा कपड़ा है उसमें हम पेस्ट कर लेंगे प्रेस से। तो यहाँ पे हमने ये जो अपनी पेपर पेस्टिंग है उसको पेस्ट कर लिया। अब हम इसको कट कर लेते हैं। तो हमने नेक की कटिंग कर ली है। इसके बाद दोस्तों हम ये मैंने यहाँ पे पेपर पेस्टिंग का एक पीस लिया है, ये लगभग 1.25 इंच के करीब चौड़ाई और 10 इंच 12 इंच इसकी लंबाई है। इसको हम एक पट्टी गले पे बना लगाएंगे। तो उसके लिए हम एक दूसरे कलर का जो कपड़े का यूज़ करेंगे उसको भी हम इसी तरह से पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम गले पे इसके पट्टी लगा के बटन भी लगाएंगे। तो इसके लिए हम इसके अलग कलर का कपड़ा यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने ये पूरी फ्रॉक की कटिंग कर ली है। अब हम इसकी स्टिचिंग करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम यह पहले अपनी पट्टी तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसको पट्टी को फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे हम पहले कच्चे से इसको जोड़ेंगे ताकि बाद में हम इसकी सिलाई निकाल के इसकी पक्की सिलाई लगा सकें। यहाँ पे हमने ये पट्टी तैयार कर लिया है। इसके बाद दोस्तों हम अपना फ्रंट के गले के लिए जो हमारा फ्रंट का ऊपर का हिस्सा हमने कट किया है, यहाँ पे हम गला बनाने से पहले इस पट्टी को टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे गले की जो लंबाई है वो 4 इंच है। तो हम यहाँ पे इस तरह से 4 इंच पे निशान लगा लेंगे और इस पट्टी के बिल्कुल सेंटर में भी हम कुटका लगा के इसको यहाँ पर अटैच कर लेंगे। पहले हम इसको कच्ची सिलाई लगा के इसके बिल्कुल सेंटर में पेस्ट कर लगा लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे साइडों में पक्की सिलाई से इसको फिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमने ये पट्टी को लगा लिया। इसके बाद दोस्तों अब हम अपना जो नेक हमने कटिंग किया था उसको इस पर जमा लेंगे। नॉर्मली है जैसे हम नेक को यहाँ पे जमाते हैं सेम उसी तरह से हम नेक को बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने फ्रंट का नेक बना लिया है। इसी तरह से हम इसके बाद हम बैक का जो नेक है उसको बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने बैक नेक को भी बना लिया है। अब हम इन दोनों को इसके कंधे अटैच करेंगे। यहाँ पे हमने कंधे अटैच कर लिया। इसके बाद दोस्तों हम जो हमारे नीचे का घेर हमने कटिंग किया है फ्रॉक का नीचे का हिस्सा उसको हम इसके साथ अटैच करेंगे। उसके लिए हम बिल्कुल
जो हमारा ऊपर की साइड का हिस्सा है उसके साथ बिल्कुल सेंटर में इसको मिला के यहाँ पे हम इसको सिलाई से जोड़ लेंगे। तो हमने ये आगे का पार्ट्स इसके साथ अटैच कर लिया है। सेम इसी तरह से हम बैक का पार्ट्स भी अटैच करेंगे। दोनों पार्ट अटैच करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम ओवरलॉकिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने ओवरलॉकिंग कर लिया। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे जो हमारी फिटिंग की सिलाई है हम यहाँ पे फिटिंग देंगे अपनी फ्रॉक को। सेम इसी तरह से दूसरे साइड पे भी हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे हमने फिटिंग की सिलाई लगा दी है। अब दोस्तों इसके बाद हम यहाँ पे जो हमारा घेरा है नीचे की तरफ उसको फोल्ड करेंगे। तो ये हमारा घेरा है दोस्तों। यहाँ पे हम इसको हल्का सा इस तरह से डबल फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे मैं नॉर्मली सिलाई लगा रहा हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे लेस या पाइपिंग कुछ भी लगा सकते हैं, इससे और भी सुंदर लगेगी। तो इस सेम इसी तरह से हम घेरे को फोल्ड कर लेंगे। घेरे को फोल्ड करने के बाद दोस्तों हम यहाँ पे बाजू को अटैच कर लेंगे। जो हमारी बाजू है तो हम इसको अटैच कर लेंगे। तो नॉर्मली हम जैसे कुर्ते में बाजू अटैच करते हैं, सेम इसी तरह से हम बाजू को अटैच कर लेंगे। और अटैच करने के बाद जो हमारी फ्रॉक है वो बिल्कुल बन के तैयार है। तो इसके लुक जो है इस तरह से नज़र आएगी। यहाँ पर हमारा जो घेर है वो बहुत अच्छा आया है। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल